रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर से यूरोप और अमेरिका तक हड़कंप है। TU-95 और TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ने भरी आसमान में उड़ान और इसकी वजह से यूरोप में नाटो देशों में खलबली मच गई है। एक्सपर्ट ने जताई परमाणु हमले की आशंका, यानी ये जो उड़ान है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है। रूसी विमानों ने बेरिंग सी और ओकास सी के ऊपर भी उड़ान भरी। ये तस्वीरें देखिए, ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं, रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स, और इन्होंने उड़ान भरी है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन और नाटो देशों में खलबली है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्लैक सी में पुतिन के परमाणु हमले के प्लान की भनक से नाटो में दहशत है। रातों रात अमेरिका पहुंचे ब्रिटेन के नव नियुक्त रक्षा मंत्री बेन वॉलेस। ब्रिटेन ने कहा दुनिया में परमाणु हमले का खतरा और गहरा गया है, यानी जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं दुनिया में परमाणु हमला होने का खतरा और गहरा होता जा रहा है। रूस की परमाणु तैयारी से ब्रिटेन घबराया हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दरअसल हो क्या रहा है कि रूस की परमाणु तैयारी से, जिस तरह की तैयारी रूस दिखा रहा है उससे ब्रिटेन घबराया हुआ है। सशस्त्र सेनाओं के मंत्री जेम्स हैपी ने जताई है परमाणु हमले की आशंका। हैपी ने कहा है कि मार्शल लॉ लगाने में नहीं मिली सफलता तो पुतिन कर सकते हैं परमाणु हमला भी, यानी मार्शल लॉ से अगर अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाएंगे पुतिन तो फिर वो परमाणु हमला भी कर सकते हैं। और जो उड़ान उनके न्यूक्लियर बॉम्बर भर रहे हैं वो दरअसल उनकी उस नियत को ही दिखाने के लिए है कि वो किस हद तक जा सकते हैं इस युद्ध में अपनी जीत को दर्ज कराने के लिए। लेकिन ये जो बॉम्बर हैं जिन्होंने उड़ान भरी है, TU-95, TU-160, ये कितने शक्तिशाली हैं और क्यों इनके उड़ान भरने से रूस की तरफ से एक बड़ा संदेश दिया गया है, लेकिन साथ ही इसकी वजह से क्यों यूरोप में और क्यों नाटो देशों में खलबली मची हुई है। सर, मैं आपसे कहूंगी कि आप भी हमारे साथ आ जाएं यहां पर। सर कपिल सर, आप भी आ जाइए ताकि हम अपने दर्शकों को बता पाएं कि ये TU-95 और TU-160 ने अगर उड़ान भरी है तो क्यों इसकी वजह से खलबली मची हुई है यूरोपियन यूनियन में, और इसके जरिए क्या बड़ा संदेश है जो रूस देना चाहता है। देखिए, एक एक कर हम दिखाएंगे दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स को, TU-95 को पहले दिखाएंगे और उसके बाद TU-160 को भी। देखिए TU-95, ये देखिए, ये है वो न्यूक्लियर बॉम्बर जिसने उड़ान भरी है। सर, आप भी अगर, मैं जो जानकारी हमारे पास है वो हम साझा करते हैं अपने दर्शकों से और फिर आपसे मैं चाहूँगी कि आप और हमें इसके बारे में बताएं। इसकी जो लंबाई है देखिए वो 49.13 मीटर है, विंग स्पेस 50.04 मीटर है, ऊंचाई इसकी 13.30 मीटर है और स्पीड इसकी 925 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज इसकी 11,500 किलोमीटर है और वजन 99 टन। ये है TU-95। लेकिन इसके उड़ान भरने से दहशत में है यूरोपियन यूनियन भी, दहशत में नाटो देश भी। TU-160 भी आइए दिखाते हैं। देखिए सर, ये TU-160 और इसकी भी हम जो स्पेसिफिकेशंस है वो दिखा रहे हैं। लंबाई 54.1 मीटर, विंग स्पैन 55.7 मीटर, ऊंचाई 13.1 मीटर, स्पीड 960 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 12,300 किलोमीटर, वजन 100 टन। लेकिन क्यों इससे दहशत में सर? देखिए, ऐसा है, जो न्यूक्लियर ट्रायड बोला जाता है वो लैंड सी एंड एयर, लैंड में आपकी जो सरफेस बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं, सी में आपकी जो सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर इक्विप्ड सबमरीन जो न्यूक्लियर मिसाइल्स मार सकती हैं, और एयर के अंदर जो आपकी हवाई जहाज हैं उनकी क्षमता जो है। तो जब न्यूक्लियर वॉर होगी तो ये सिर्फ ये बम्बर नहीं जाएगा, ये ट्रायड होगा। ट्रायड का मतलब समुंदर के जरिए से, सरफेस के जरिए से और एयर के जरिए से। अगर मान लीजिए हमारी मिसाइल गई, मिसाइल को उन्होंने काउंटर किया, तो ये बॉम्बर क्या है? एक अश्योरेंस है, अगर आपने मेरी मिसाइल गिराई तो मेरा बॉम्बर भी आ रहा है। आप मेरे सबमरीन को रोकेंगे, मेरी मिसाइल को रोकोगे कि मेरे बॉम्बर को रोकोगे? कुछ ना कुछ तो मैं मारूंगा आपको। मतलब अगर वो ये इरादा करते हैं कि हमने ये परमाणु हमला करना है तो उसे आप बचेंगे नहीं। बिल्कुल, ये जो उड़ा रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्बर पुतिन, वो दरअसल संदेश यही देना चाहते हैं क्या कि मैं पीछे नहीं हटूंगा? मैं ये बता रहा हूँ, ये एक शो ऑफ एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज के पीछे मंशा वाकई में बहुत सीरियस होती कुछ करने की, तो बॉम्बर को, जनरल साहब मेरी इस बात को मानेंगे कि इनको फाइटर की सपोर्ट भी होती है। कि अगर परमाणु युद्ध होना है तो हम और आप सोचते रह जाएंगे, एक बटन दबेगा
और एक तरफ से शुरू हो जाएगी। क्या इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि रूस भी ये समझता है कि कितना गंभीर मामला है, लेकिन रूस अपनी ये इच्छा शक्ति भी दिखा रहा है कि देखिए अगर मुझे इतना नुकसान होगा तो मैं इस हद तक जा सकता हूँ, ये मैसेज है उसकी तरफ से। रूस ने बहुत रेस्ट्रेंट के साथ इस वॉर को किया है, लेकिन अगर वो रेस्ट्रेन उसको नुकसान पहुंचाएगा बिल्कुल हर कोई। देखिए कल को पाकिस्तान भी, अगर मुझे लगेगा कि पाकिस्तान की मेरे पे मिसाइल आ रही है एटम बम लेकर के, तो इससे पहले कि वो मिसाइल मेरे तक पहुंचे मैं एटम बम की मिसाइल पाकिस्तान पे छोड़ूंगा, क्यों नहीं करूंगा इस चीज। देखिए मैं सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपको, अगर न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कहने का मतलब यह है कि अमेरिका अगर बोले कि मैं वहां बैठा हूं अटलांटिक के पार या पैसिफिक के पार, कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका भी उतना ही वल्नरेबल है जितना यूरोप है और जितना रशिया है। अगर न्यूक्लियर एक्सचेंज हो गया तो अमेरिका की भी जो सिटीज बर्बाद होंगी, यूरोप बर्बाद होगा, रूस का भी नुकसान होगा, यूक्रेन का तो खैर बचेगा ही कुछ। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पर नुकसान पहुंचाएंगे आप, अगर ये युद्ध शुरू होगा तो पूरी दुनिया इसके रेंज में आएगी। और मतलब आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरे को तो ये अचंभा होता है कि आज के दिन में न्यूक्लियर को लोगों ने खेल बना दिया है। लेकिन उड़ा रहे हैं, लेकिन वो उड़ा रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्बर, उड़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं अपनी तैयारी, वो उड़ा रहे हैं, अमेरिका ने बिठा रखे हैं, फर्क इतना है, बिल्कुल यही कर रहे हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।